ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने फेस को कैसे स्मूथ कर सकते हो एंड साथ ही साथ लाइटरूम ऐप की मदद से इस तरह की एडिटिंग भी कैसे कर सकते हो, यानी कि ये कॉम्बो वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको फेस स्मूथ के साथ साथ इस तरह का एडिटिंग करना भी सिखाएंगे लाइटरूम ऐप के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं, आगे इस वीडियो और देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर ऑन कर लीजिएगा और आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि मैं बहुत दिनों से नहीं कर रहा हूं। अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको ओपन करना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर ओपन कर लेते हैं। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि सबसे पहले हम अपने फेस को स्मूथ करेंगे, उसके बाद लाइटरूम ऐप के अंदर चल के रिटच करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर हमने अपनी फोटो को ओपन कर लिया है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप ये लाइब्रेरी पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको ब्रशेस की बहुत सारी कैटेगरी दिखेगी और बहुत सारी ब्रशेस भी दिखेगी। तो आपको यहाँ से स्मर्ज वाली कैटेगरी के अंदर आ जाना है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये सब कैटेगरी बना हुआ है वैसे ही यहाँ पे एक स्मर्ज का कैटेगरी बना है, ठीक है। तो आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है। देखिए, ये फर्स्ट नंबर ब्रश है जो कि आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ये सेकेंड वाला ब्रश आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसे सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको सिंपली सेटिंग पे क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद सेम आपको यही सेटिंग कर लेना है, यानी कि फ्लो को 1% एंड स्ट्रेंथ को 5% या 4% आप रख सकते हो। और ये जो साइज आपको दिख रहा है ये आप अपने हिसाब से सेट करोगे कि आपको कितना अपने फेस पे चलाना है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद हम अपनी फोटो को जूम करेंगे और कुछ इस तरीके से हम सिर्फ फेस पे इसे चलाएंगे। आप लोग देख पा रहे हो कितनी आसानी से हमारी फेस बहुत ही अच्छा तरीके से स्मूथ हो रहा है। तो आप अपने फेस को कुछ इस तरह से स्मूथ करोगे तो ऐसे ऐसे आपको राउंड राउंड शेप में जो है चलाना होगा अपने फेस के अंदर, ठीक है। कुछ लोग गलती करते हैं क्या कि ऐसे ही वर्टिकल हॉरिजॉन्टली मतलब कैसे कैसे खींच देते हैं, जिसके कारण फेस पे जो है अच्छा सा स्मूथनेस नहीं आ पाता। तो मैं जल्दी जल्दी से स्मूथ कर लेता हूँ फेस को, ठीक है। गाइस, जो टूल मैंने बताया वैसे ही आपको उसी से आपको जो है अपनी फेस को स्मूथ करना है। अगर आपको इसकी साइज़ को बड़ा या छोटा करना है, यहाँ पे आपको जो बिंदु दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है और इसको जो है इस तरह से लेफ्ट या राइट करोगे तो ये ब्रशेस की साइज बड़ी होगी और छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमें मैं साइज़ को छोटा करके यहाँ पे चला रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे स्पेस कम है। अगर हम साइज को बड़ा रखेंगे तो साथ ही साथ हमारा हेयर का भी एरिया कवर कर लेगा, जिसके कारण स्मूथनेस बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो साइज़ को छोटा करके कुछ ऐसे जहाँ पे स्पेस कम है उस एरिया पे आपको चलाना है, ठीक है। मैं यहाँ से जल्दी जल्दी से पूरे फेस के अंदर चला लेता हूँ, ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे हो गाइस कि स्मूथ कितने अच्छे तरीके से हो रही है। आप लोग बस जो मैंने टूल बताया सिर्फ उसी ब्रश का आप लोग यूज़ करो और साइज़ को छोटा या बड़ा कर करके अपने फेस पे इस तरीके से चलाओगे तो फेस अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पे गाइस फेस की स्मूथनेस काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई है। अब ये जो फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके यहाँ एक शेयर का ऑप्शन आपको मिलेगा, शेयर पर क्लिक कर देना है और सिंपली अब आपको यहाँ से अदर्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसको अब आपको ओपन कर लेना होगा लाइटरूम ऐप के अंदर। तो ये रहा लाइटरूम ऐप, ठीक है। मैं यहाँ से लाइटरूम ऐप के अंदर इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। लाइटरूम ऐप के अंदर आ जाने के बाद गाइस हम आप यहाँ से बैक जाते हैं और लाइटरूम ऐप को जो है यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा लाइटरूम ऐप, मैं सिंपली यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ। देखिए, ये रहा ऑल फोटोज़ के अंदर आने के बाद हमारी फ़ोटो जो कि अभी हमने स्मूथ किया था ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर, ठीक है। तो इसको अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे गाइज हम एक प्रीसेट का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये XMP प्रीसेट है, जो प्रीसेट मैंने जिस वीडियो में दिया उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख लीजिए और इस प्रीसेट को आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ऑरेंज एंड ब्लू टोन का प्रीसेट है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आपको 6 प्रीसेट मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं सिंपली डन कर देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे हो कितना मस्त हमारी फोटो में इफेक्ट आ चुके हैं। लेकिन अगर आपको अपने फेस को वाइट करना है तो आपको थर्मोमीटर वाले आइकॉन के अंदर जाना होगा, यहाँ से मिक्स टूल के अंदर जाना है और ये जो सेकेंड वाला कलर है इसे आपको सेलेक्ट करना है और इसकी सिचुएशन को आपको कम कर देना है। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी फेस पे ऑरेंज टोन ज़्यादा है, रेड टोन ज़्यादा है, तो आप उसकी सिचुएशन को कम कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कम है तो उसको सिचुएशन को बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन ये प्रीसेट यूज़ करने के बाद आपके फेस पे जो है इफेक्ट तो आना ही है, यानी कि आपका फेस जो है ऑरेंज टाइप का हो ही जाएगा। तो आप सेचुरेशन को कम कर लीजिएगा और क्या, और यहाँ से लुमिनस को बढ़ा लेना, हो जाएगा काम। यहाँ से मैं रेड वाले का भी सेचुरेशन जो है लगभग यहाँ पे कम तो नहीं करता हूँ लेकिन 0 कर देता हूँ, ठीक है।
इतना हो जाने के बाद ये जो सबसे लास्ट में जो कलर आपको दिखता है, इसकी सेचुरेशन को हम कम कर देते हैं। हमारी फ़ोटोज़ में इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ऐसा कलर है ही नहीं हमारी फ़ोटो के अंदर। तो इतना हो जाने के बाद गई, जब आपको जो है थोड़ी सी काम और करनी है, ये बॉक्स वाला जो आइकन दिख रहा है ना, इसके अंदर आने के बाद आपको ग्रेन अमाउंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इससे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। तो आपके फेस पे एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। यहाँ से शार्पनिंग को बढ़ा लेना है। देखिए फेस पे एक डिटेल मतलब टेक्सचर जो फेस का होता है ना वो वापस आ जाता है इसके अंदर ये करने से, ठीक है। तो यहाँ पे गई ओवरऑल हमारी फ़ोटो तो एडिट हो गई है, अब इसे हम सेव कर लेते हैं। गाइस बहुत इजी था, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करके रखिए। इस चैनल पे आपको इस तरह के कमाल की वीडियोज रोज़ सुबह के 8 बजे मिलती रहती है। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।